अगला देखो, व्हेन हॉट वाटर इज द, ठीक है, पुट इन द बीकर ऑफ थिक ग्लास, ओके, थिक ग्लास को ही है एंड द बीकर क्रैक. उसने बोला कि कोई ग्लास में अगर एक गर्म वाटर, गर्म पानी डाल दो तो क्या बीकर क्रैक हो जाते हैं. क्यों? उसका रीजन दिया, आउटर सरफेस ऑफ द बीकर एक्सपेंड सडनली. ओके, जो आउटर सरफेस है, ये बताओ आप तो मुझे, लॉजिकली सोचना, ये क्या है? अगर ग्लास क्या एक कोई कंटेनर है और इसमें तूने वाटर डाला, क्या डाला? वाटर, वो भी हॉट है. कैसा? हॉट वाटर. ओके, जब तूने हॉट वाटर इसमें डाला, हॉट वाटर, अब देखो सबसे पहले टेम्परेचर कहाँ पे जाएगा? इसके इनर वाले वॉल पे. टेम्परेचर कहाँ इमेट होगा? इसके इनर वाले वॉल पे. टेम्परेचर यहाँ से आगे तक ट्रांसफर होगा. ओके, तो क्रैक इनर के वजह से होना चाहिए, ना कि आउटर की वजह. आउटर सरफेस क्रैक एक्सपेंडली सडनली, ठीक है ना, आउटर एक्सपेंड नहीं करता है, इनर की वजह से क्रैक होता है. क्योंकि टेम्परेचर कहाँ गया आपका? इनर पे. अगर इनर की कैपेसिटी है उतना, तो क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, और अगर नहीं है तो क्या करेगा? वो क्रैक्ड हो जाएगा. तो जो रीजन है वो गलत है, असर्शन है सही है. इट मीन्स आपका जो असर्शन सही है, रीजन गलत है. आपके बुक में जो दे रखा है, लिख रखा है उन्होंने, क्या लिख रहा है? व्हेन वी फाउंड हॉट वाटर ऑफ द बीकर द इनर सर्फेस ऑफ द ग्लास एक्सपेंड ऑफ द हीटिंग. इनर एक्सपेंड होगा, ओके, ना कि आउटर. ओके, ऑफ द ग्लास एक्सपेंड ऑफ, बट द हीट इन साइड डज नॉट रीच क्विकली. ओके, बट द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास, बिकॉज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, हेंस द आउटर सर्फेस डज नॉट एक्सपेंड द ग्लास. ओके, और आउटर पे तो जाएगा ही नहीं ना, आउटर पे कैसे जाएगा? क्योंकि ये कंडक्टर नहीं होता प्योर ना, ये बैड कंडक्टर होता है. और बैड कंडक्टर, कंडक्टर कैसे डिटेक्ट करते हो? किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? क्या ग्लास में? नहीं होती. तो क्या है, जो ग्लास होता है, लिख सकते हैं ग्लास कैसा है? बैड कंडक्टर. उसके वजह से हीट का बैड कंडक्टर. किसका? हीट का. हीट का बैड कंडक्टर, तो इनर सरफेस पे हीट जा रहा है, आउटर पे पहुंचेगा नहीं. आउटर क्रैक होने कोई चांसेस नहीं, क्रैक होगा तो इनर से होगा. तो आपका ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, इज करेक्ट. ओके,